थोड़ी पुरानी पानी की कहानी भाई पानी की जुबानी। सृष्टि के आरंभ से पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का ही महत्व क्यों है? क्योंकि जो सबसे अनमोल है वह पृथ्वी पर है, वह हूं मैं पानी। कल कल बहती नदियां मेरा जीवन है, मेरा स्वरूप है, वह पूजी जाती है क्योंकि उसी ने मानव जाति को पीने योग्य जीने योग्य पानी दिया। इठलाती बलखाती ये नदियां, सृष्टि का पोषण करती ये नदियां, पर यह क्या? मानव ने जिसे अपनी माँ कहा उसे ही अंधाधुंध बहाकर उसकी बर्बादी कर उसे दूषित कर दिया। ये क्या हो रहा है? ड्रेनेज का पानी सीधे साफ पानी में मिल रहा है, इससे तो बीमारियां फैलेगी। और ये क्या, केमिकल फैक्ट्री का गंदा कचरा, गंदा पानी नदी के साफ पानी में मिल रहा है। ऐसे तो नदी दूषित और तबाह हो जाएगी। शायद यही कारण रहे होंगे, यही कारण है जो हम सब इस तरह दूर दूर आने के लिए तरस रहे हैं। ये बर्बादी रुकनी ही चाहिए, हाँ रुकनी ही चाहिए। अरे हर नर्मदे सर, जोरदार पानी की धार से गाड़ी धोले। हाँ मालिक। भाई साहब, आप गाड़ी बाल्टी से पानी लेकर भी धो सकते हैं। तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ। इन छोटी बातों से ही हम पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अरे भाई, हमारा पानी है, हम कुछ भी करेंगे। आंटी आंटी, आपकी टंकी ओवरफ्लो हो रही है। अरे क्यों इतना जोर से चिल्ला रही हो? कोई सारा दिन तो टंकी पर चढ़कर बैठा नहीं रह सकता ना। नहीं, आप वॉल क्लॉक क्यों नहीं लगाती जिससे आपको पता चले कि टंकी ओवरफ्लो हो गई है? अरे बस बस, अपने ये सारा अपने पास रहने दो, किसी और को जाके देना, मुझे बहुत सारे काम है। कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता। बंद करो ये बर्बादी। क्या इस पर कोई विचार नहीं कर सकता? आज 2050वें वर्ष में मेरी बूंद बूंद के लिए त्राही त्राही मची है। मेरा अस्तित्व खतरे में है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? चाबी कहाँ है? अरे क्या हुआ, क्यों इतने जोर से चिल्ला रही हो? बड़ी जोर से प्यास लगी है माँ, अलमारी की चाबी दो, मुझे पानी पीना है। उठो बेटी, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। आज पानी की बंदी वाला भी नहीं आया, आज एक बोतल ही बची है, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो क्या आज मुंह भी नहीं धो पाऊंगी? अरे क्यों नहीं धो पाऊंगी, ये स्प्रे है ना, अभी तुम्हारा मुंह चकाचक कर देती है। ये छोटी छोटी बातें पर है अंजाम बड़ा, जिसके घर में ज्यादा पानी छापा वही पड़ा। अरे ये क्या, क्या हुआ? ये पड़ोस में पुलिस क्यों आई है? अरे किसी और के यहाँ नहीं, अपने ही यहाँ आई है। आपके यहाँ CBI का छापा पड़ा है? क्यों, पर मैं तो अपना संपत्ति कर पूरा भर चुका हूँ, भला मेरे यहाँ छापा क्यों? मैं अचल संपत्ति की नहीं तरल संपत्ति की बात कर रहा हूँ। पता चला है कि आपने जरूरत से इतना ज्यादा पानी स्टॉक कर रखा है। अच्छा ये पानी अरे यह तो जैन सोशल ग्रुप यूनिट कल पानी डोनेशन का कैंप लगा रहा है। अरे जहाँ पानी पीने को नहीं वहाँ इतना महंगा पानी डोनेट करने को चले हो? सरकार कहाँ रुकने वाली थी, बड़ी तैयारी कर डाली, पानी पहले ही महंगा था और कीमत बढ़ा डाली। सब टेंशन और बड़ा जब खबर टीवी पर आई, तृतीय विश्व युद्ध पानी के कारण जनता थी घबराई। अरे मच गई खूब दबाई भैया, मच गई खूब समाचार में प्रमुखता से, दुनिया में पानी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया है, चारों ओर हाहाकार मचा है। पानी की ये त्रासदी विश्व को न जाने किस ओर ले जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि क्या मानव सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी? इस आपदा से कैसे निपटा जाए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है हम सभी के सामने। आज तक से मैं मीर।
बूंद बचाओ। अच्छा, अपने ही वंशजों की खातिर समय से ही है कदम उठाओ। अब आप सबकी बारी है, पानी की हर बूंद बचे इसमें ही समझदारी है। आप समझ गए, अब मेरी चलने की तैयारी है। पानी बचे, धरती बचे, अब यह आपकी जिम्मेदारी है। Love it!